Santa Claus. Season C. देखो जी उसमें ऐसे फुल पढ़ लिया आपने, देखो जी अब उसमें ध्यान रखना आगे आपको जब रिपीट हो, जैसे सी सौ से किसका था, कितने बॉन्ड पेयर थे बताओ, कितने बॉन्ड पेयर है, चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। ग्रुप 16 में मैं एक लिखा था, ग्रुप 16 का एक और है जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड सेव ऑफ SF6। ये सब जानते होंगे, बताओ जी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ SF6 बताओ। ठीक है जी, सबका आ गया SP3D2 आ गया जी, बताओगे ठीक है, ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बताओ ये कितने लोन पे आया बताओ पीछे, तो जीवन से का कितने नोन पे है, नहीं निकाली अभी तक, जल्दी निकालो इतना टाइम लग जाता है ये। हाँ जी अक्षत कितने नोन पे है, हाँ नहीं है बोन पे है, कहाँ निकाली, निकाली हो ना तो बोला करो, ठीक है SP3D2 हुआ, लोन पेयर हमारा हुआ जीरो, बॉन्ड पेयर जितना जी को ज्योमेट्री से बराबर होगा। अब आप छः का पढ़ रहे हो जी, अब आप जैसे सबसे पहले चार पर आया टेट्राहेड्रल, पांच पोजीशन जो था लोन पेयर बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, पांच पोजीशन क्या बोला ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो और तीन को पढ़ा ट्राइगोनल प्लेनर। अब नेक्स्ट जो हमारा SP3D2 है जिसमें कितना है, सिक्स है, सिक्स ऑर्बिटल है, तो इसका क्या होगा हमारा ज्योमेट्री प्लस शेप, देखो जी SF6 जानते हो सब लोग, ये शेप सबने देखा होगा, क्या बोलते हैं शेप को बताओगे, हाँ नहीं स्क्वायर पैनल नहीं बोलते, क्या क्या कह रही हो, क्या बोलते जी बताओ, इसको स्क्वायर प्लेनर नहीं बोलते जी, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जी सारा एंगल 90 में, एक ऑक्टाहेड्रल है जी, आठ फेस, ध्यान दो। अब तुम ऑक्टाहेड्रल क्यों बताया गया, ऑक्टा मतलब ये हुआ जी, देखो चार फेस ये हुआ चार चार, और ये क्या हुआ पांच छह, मतलब अरे चार था ये चार, एक दो तीन चार, फिर जब ऐसे हुआ ऐसे पांच छ सात आठ ऑक्टा हुआ, मतलब ऑक्टाहेड्रल आठ फेसेस आ गया इसमें, एक दो तीन चार ये
जब हमने ये बनाया तो दो इधर बच जाएगा 3D में 6, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री प्लस शेप क्या बोलते हैं? कोई लोन पेयर नहीं है तो आपको ज्योमेट्री सेट इक्वल होगा। हेड्रल से समझ जाओगे, ऑक्टा मतलब आठ आपको दिख रहा है सिस्टम, ये आसान होता है, सब बच्चे को याद रहता है। ऑक्टा है तो सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब जल्दी से देखो जी, ग्रुप 16 में दो ही था, ग्रुप 17 18 में ज्यादा है। हम ग्रुप 17 की बात करते हैं, ग्रुप 17 में जो सेम पढ़ना है उसको देखोगे। हाँ दो ही है, ग्रुप 16 में दो ही करना है। 17 में देखो जी, 17 में फेमस कंपाउंड होता है जिसका नाम है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। सेवेंटीन में एक फेमस कंपाउंड होता है इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो इंटरहैलोजन में जो है, हाँ जी, इंटरहैलोजन में आपको एक चीज ध्यान देना है इसमें। जैसे इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सोच सकते हो जो इंटर मतलब क्या होगा, इंटरहैलोजन मतलब दोनों होगा, हैलोजन होगा। इसमें क्या था, ग्रुप 16 का एलिमेंट था सल्फर, फ्लोरीन क्या था, ग्रुप 17 का था, इसमें दोनों हैलोजन ही होंगे। क्यों बनता है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। तो आप सबसे पहला जो है सेम टाइप CnF3 BrF3 और IF3 सबका एक ही टाइप बनेगा। तो सबसे पहले आप निकालो इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालो। जल्दी इस पे लोन पेयर निकालो और बॉन्ड पेयर निकालो। जी कितने लोन पे, कितने बॉन्ड पे आया है इसका ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ। Yeah.
जी क्या सेप आ गया? ज्योमेट्री क्या है जी बताओ? बताओ जी ऑनलाइन वाले ज्योमेट्री क्या हुआ? हाँ तो पहले ज्योमेट्री को माइंड में सेट कर लो भाई, तभी समझ में आएगा सेप। अब देखो जी इसमें जो ज्योमेट्री है, जैसे आपने क्या देखा, जो एस पी सब निकाल लिया, कैसे निकाला? 7 × 7 × 3 28 by 8 हुआ जी। कितना हुआ बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, 5 sp3d। ठीक है, ये सब को अब आ गया, जल्दी से सेप आ जाएगा समझ में। देखो जी इसका दो बुक 11th की एनसीईआरटी में सेप कुछ और लिखा है, 12th के बुक में जो एक्सप्लेनेशन है कुछ और लिखा हुआ है, थोड़ा चेंज है एक्सप्लेनेशन। बताओ ना तुम कौन सा लिखोगे, दोनों सही होगा। देखो जी सबसे पहले सेप कैसा होती है बताओ, लोन पेयर को कहाँ पे रखोगे? बताओ लोन पेयर को कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल जो पढ़ाया था, ज्योमेट्री ट्राइगोनल। भाई ज्योमेट्री पूछेगा तब बताओगे, पेपर में जनरली सेप पूछा जाता है, ज्योमेट्री नहीं पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री में बता देता हूँ समझाने के लिए, जो सेप याद करने में अच्छा रहेगा। ट्राइगोनल ये पता है आपको, लोन पेयर है तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेप नहीं होगा। हाँ जी लोन पेयर है तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेप नहीं हो सकता, ये तो पता है। तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेप नहीं होगा तो मतलब हम फिर कैसे करेंगे? देखो तो पहले हम लोन बना देते हैं सेप जी, कोई भी बना दिया, मान लो बी आर एफ चाहिए, बी आर लोन पेयर को हमने यहाँ डाल दिया, इक्विटोरियल में डाल दिया जी, एफ एक्सजीएल पे मत डालो, याद रखो क्यों जी, एक्सजीएल 90 पे खराब होता है, तो 90 पे लोन पेयर को मत रखा होगा। तो आपने क्या किया, एफ को ऐसे डाल दिया, कुछ दिख रहा है लोन पेयर को छुपा करके सेफ? अरे इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे दिख रहा है, ऐसे टी से भाई इसको छुपा दो, थोड़ा घुमा दो ऐसे, कभी कभी घुमा के देख रहे थ्री डी से है ना, हम ऐसे घुमा देंगे ठीक है जब, क्या दिख रहा है टी से। तो टी सेप 11th की क्लास में टी सेप दे दिया, लेकिन 12th का जो वेस्पर थ्योरी है, 11th की बुक जब एनसीईआरटी खोलोगे तो टी दे के काम चला लिया, ध्यान देना 11th की बुक में टी सेप टी लिखो, 12th में क्या है गया, थोड़ा वेस्पर थ्योरी दे दिया बुक में, एग्जांपल क्वेश्चन है जो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करो। तो भाई कोई बच्चा इसको ऐसे कर दे, दो दो लोन पेयर है, हल्का इसको डिस्टॉर्ट कर दे, हाँ जी हल्का इसके बॉन्ड को थोड़ा मतलब ऐसे बना हुआ है, दो दो लोन पेयर है, थोड़ा इसको हल्का थोड़ा इसको बोलते हैं स्लाइटली बेंट टी, ऐसे जी ये इसको क्या बोलते हैं स्लाइटली स्लाइटली बेंट टी से। नहीं लोन पेयर का सेप थोड़ी कौन करोगे, सेप में देखोगे लोन पेयर तो ऊपर क्या आता है, चलो फिर बॉन्ड थोड़े कौन रहे, इधर जो फ्रीडम घूमता रहता है, फ्रीडम होता है ये टाइट है ना, पैक्ड है ये फ्रीडम है, ये हमारा अपना पोजिशन ऑक्युपाई करता है मैक्सिमम, इसको सेप ही लेने कभी भी लोन पेयर को सेप कभी नहीं लिखनी हो पहले ही, तो सबका सेप वही बन जाएगा, आसान हो जाता है। लोन पेयर को सेप में मत लो, याद भी रखना है। स्लाइटली बेंट टी सेप कह दोगे, टी दोनों सही कर देंगे टीचर। थोड़ा मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूँ जी भाई, अब आपको बुकलेट मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे।
ये सब लोग कल से बुकलेट ले जाना जी, कुछ बुकलेट बन चुका है, अभी मिल जाएंगे जो आए हो, और ठीक है जी बुलेट में मिल जाएंगे बुकलेट, लेकिन कल से बुकलेट सब ले जाना अपना, जो भी ऑनलाइन हो बाकी बच्चे बुलेट कल से ले जा सकते हो। तो एक क्वेश्चन मैं अभी पढ़ देता हूँ, बिलखवाऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लोगे जब बुला के बुकलेट, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे जब पी ब्लॉक आप खोलोगे जब मिलेगा तो मैं अब मैं पहले लिखवा दिया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन करवा दिया था पीसीएल पेपर, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BR3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो मैं जो लिखवाया था बता रहा हूँ, फिर बुक इसीलिए पढ़ना इस बार जरूरी है क्योंकि बुक के लैंग्वेज में क्वेश्चन कुछ बन जाए, सरसर रीजन कुछ बन जाए तो आपको कोई समझ में आ जाना चाहिए, इसीलिए इस बार बुक का लाइन भी पढ़ना चाहिए बच्चे को, NCERT बुक में मेरे पढ़ाने के बाद ऐसे पढ़ जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे तब नहीं पढ़ोगे पता ही नहीं क्या पढ़ाया हमने सही की गलत। तो देखो जी बताओ जी, जैसे H2O का लिखवाया था सेम वैसे बता रहा है, बताओ जी कैसे बताएंगे, लिखना नहीं अभी लिखा है बुकलेट में, घर पे लिख सकते हो आप लोग, मतलब कोई बताओगे मुझे जी BR, मतलब क्वेश्चन है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BR3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, कैसे लिखोगे इसको? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे सबसे पहले, बताया था इन BrF3 सेंट्रल एटम ब्रोमीन है कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, सो इट फॉर्म्स 3 bond pairs एंड 2 lone pairs, देयरफॉर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइलैटरल। ये बुक में लिखा है NCERT में, ज्योमेट्री पता होना चाहिए, कुछ टीचर ज्योमेट्री नहीं पढ़ाते स्कूल में, क्यों बताएंगे नहीं, बोलेंगे कभी नहीं, लेकिन पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आ सकता है, मैं ज्योमेट्री कह तो यही हो, तो ऐसा होने कोई लोन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं, मतलब ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन LP BP इज मोर देन BP BP रिपल्सन, और लास्ट लाइन बताया था सब बुक में लिखा होता है क्या, टू मिनिमाइज दीज रिपल्सन, ठीक है जी, BR3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है स्लाइटली बेंड टी से, ये हमारा जैसे पढ़ाया था मैंने, अब बताता हूँ बुक का लैंग्वेज में क्या लिखा है, बुकलेट में आंसर लिखा हुआ है जो NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सुनो जी क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रल एटम BR है 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, थ्री ऑफ दीज, लो जी ऐसे लिखा है, थ्री ऑफ दीज विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर्म ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, थ्री ऑफ दीज फॉर्म ये होना चाहिए, ठीक है, these two lone pair will occupy the equatorial position to minimize lone pair and bond pair repulsion. In addition, the axial chlorine atom will be sent towards the equatorial chlorine in order to minimize the lone pair. तो जब कह रहा है इस lone pair को repulsion को कम करने के लिए, क्यों इसको जगह थोड़ा और मिल जाए, अरे हम लड़ने वाले जो होते हैं उससे हम क्यों हट जाते हैं बगल में, आराम से जो मर्जी करे जी, नहीं कहते यार वो ऐसे बोलता है, मतलब उसको मैं स्पेस दे देता हूँ जो मर्जी बोले, इसने साइड ले लिया, क्यों ये फ्रीडम है घूमना अपना घूमता रहे, तो वही लिखा है बुक के लैंग्वेज में, जो इन एडिशन द एक्सियल क्लोरीन एटम विल बी सेंट टुवर्ड्स द बॉन्ड पेयर, इक्वेटोरियल क्लोरीन इन बॉन्ड मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्सन, the shape would be the slightly bent T. तो ये पढ़ लोगे फिर से, सबको आ गया समझ में, ठीक है जी, वीडियो भेज दूंगा, बोलना हो लिख भी सकते हो जी,
वीडियो भेज दिया हूँ लिखने का मन किया, ठीक है जी सब लोग घर पे लिख लेना। क्या लिखना फिर से बोल देता हूँ, अभी नहीं लिखोगे जल्दी बोल देता हूँ, घर पे वीडियो भेज दूंगा, जगह छोड़ दो, फिर से लिख लेना। क्या लिखोगे? इन BrF3 सेंट्रल एटम ब्रोमीन है, ठीक है जी, कितना 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो इट फॉर्म्स 2 lone pairs, 3 bond pairs, ठीक है। एंड क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन इज देयरफॉर sp3d ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी LP-LP रिप्रेजेंट मोर देन LP-BP, मोर देन BP-BP, एंड देयरफॉर टू मिनिमाइज दीज रिपल्सन्स, ठीक है, याद हो गया। तो वेस्पर थ्योरी का हमें एक्सप्लेनेशन सब में एक ही टाइप का, हमें सेप याद है, ज्योमेट्री पता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया ग्रुप 17 का BR। आगे बढ़ते हैं, मतलब आपने क्या देखा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल का दो टाइप का एक्स्ट्रा सेप पड़ा, जब एक लोन पेयर था और चार बॉन्ड पेयर था, एक लोन पेयर और यहाँ में बता दिया चार बॉन्ड पेयर, क्या बन गया था सी, तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर क्या बन गया टी शेप या स्लाइटली बेंड टी शेप। ग्रुप 17 का और भी कंपाउंड है दूसरा, दूसरा ग्रुप 17 का CLF5 BrF5 IF5 बनाओ, खुद बनाओ। निकाल लेती हूँ फिर बाद में बोलती हूँ, बताओ कितना निकाली है बॉन्ड पेयर, तो बहुत कम आया आज मंडे जी, आज भी गए फेस्टिवल पे है क्या, 15 अगस्त तो बीत गया ना जी, कितना जी बन सका, कितना बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 bond pair 1 lone pair, ठीक है जी, सबको बताओगे भाई। अब आप लोगों को ये फटाफट आना चाहिए सबको जी, 42/8 5 bond pairs एंड कितना बच गया रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 रिमाइंडर आप निकाल सकते हो, 1 lone pair 6 sp3 d2, ठीक है। अब जी जब भी आपको जी मैं इसीलिए मिक्सअप करके पढ़ रहा हूँ, बाद में याद करना, 6 आ गया, कितना आ गया 6 पोजीशन, मतलब ज्योमेट्री ना ज्योमेट्री, हाँ ऑक्टा मायने में तभी समझ में आएगा, ऑक्टा हेड्रल रहता नहीं मायना है जी 100%, ऑक्टा हेड्रल को देखोगे पर तब हम ज्योमेट्री से लोन पेयर को रख देंगे, फिर सेप सोचेंगे, सेप के जो दिखता है जी जैसा दिखता हो कोई चीज वैसे बता दिया गया, अब वो 3D में कुछ उल्टा पुल्टा कुछ दिख गया या सही दिखा देखेंगे हम। तो भाई SF BrF5 या CLF5 बताओ, अब हम ऐसे कुछ बनाते हैं, देखो CLF5 वैसे ऐसे बनो SF6 जैसे हो गए, बना दिए नोट पे F यहाँ दिखा दिया एक, इसका सेप आसान है जी, इसका सेप आसान होता है, तो मैं पढ़ा मुझे याद आ गया, इसका सेप बहुत आसान होता है,
इसका सेब बहुत आसान है, दिख रहा है जी सेब, बताओ कोई बताओगे देख के जी, कुछ लग रहा है सेब ऐसा बोलना चाहिए। हाँ स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड ही है जी, स्क्वायर बन गया है, एक पिरामिड है ऐसे, अरे ऐसे पिरामिड, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन थी नहीं, लाइन को तो ऐसे पिरामिड 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 टाइप, पिरामिड टाइप सोच सकते हो, पिरामिड टाइप ऊपर रफ में आप पिरामिड, इसको पिरामिड टाइप मैंने मान लोगे, ये हमारा जो पिरामिड टाइप है अपना रफ वर्क, ऊपर एक पिरामिड जैसे है, नीचे लोन पेयर को सेब में तो काउंट करते नहीं है भाई, नीचे लोन पेयर को सेब में तो काउंट करते नहीं है, मतलब ऐसे जी इसको टाइम देना, ऐसे याद करना, क्योंकि भाई अब आपको अब आप रट्टा मार रहे हैं, ठीक है जी, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, पिरामिड ही होगा कोई और दिखेगा तो इसका शेप क्या हो गया, पिरामिडल। बॉन्ड लेंथ की यदि बात होगी तो इक्वल होगा जी, बॉन्ड लेंथ इसका इक्वल होगा, बॉन्ड लेंथ में कोई इसमें डिस्टर्ब एसएफ सीएलएफ है, हां बॉन्ड लेंथ सेम होगा कोई, क्योंकि हम मिनिमाइज करके बॉन्ड को सेट कर लेते हैं अपना, तो इसमें बॉन्ड पेयर का कोई चक्कर इसमें नहीं है, बॉन्ड पेयर सेम सिक्को की इसका कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है जो हम ऐसे इसको हीट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, बॉन्ड लेंथ सेम होगा। स्क्वायर पिरामिडल तो भाई ऐसे याद करने देखो इतना आसान लग रहा है। अब देखो जी ग्रुप 17 का एक और है जो कम आते हैं लेकिन है, थर्ड अब बच गया IF7। IF7 ही फेमस होता है, तुमको पेपर में आ जाए BRF7 बना देना, लेकिन मेन प्रॉपर्टी IF7 की होती है, क्यों पढ़ेंगे ग्रुप 17 में, तो IF7 का बनाओ जी नया टाइप थोड़ा है। IF7 7 plus 7 into 7 56 by 8 7 bond pairs, कोई भी lone pair नहीं, कितना आ गया sp3 d3 सात bond को थोड़ा 3D में देखना मुश्किल है लेकिन बनाना आसान है जी, आसान से बना दो तो याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता है। बुक सब में दो टाइप का बना होता है, पहले जो जनरली बनते हैं बता, जैसे IF7 है जी, हम सात बॉन्ड को दिखाना है, लो जी मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, चार बॉन्ड दिखा रहे तो ऐसे दिखा दिया, चार दिखा दिया, और पांचवा बॉन्ड मैं ऊपर कहीं ऊपर दिखा दिया, मान लो ऐसे मतलब पांच बॉन्ड ऐसे दिखा दिया चलेगा, और सात जो होने सात एक मैंने 90 के ऊपर एस डालता हल्का टेढ़ा ऐसे दिखा दिया ऐसे, ये क्या दिखा दिया ऐसे, इसका डिफरेंस माइंड में क्या सेट रखोगे, देखो जी ध्यान दो, ये इसका नाम जानते हो क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल मतलब ये जो एंगल है पांच एंगल, जो पांच वाला जो एंगल है ये वाला ऐसे कितना एंगल होगा 72 डिग्री, अरे 72 इंटू कितना 5 कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, मतलब 5000 पेंटा, क्या नाम है इसका पेंटागोनल, जल्दी बताओ जी पेंटागोनल में क्या 72 डिग्री एंगल नहीं होगा, होगा 360 by 5, जैसे मान लो क्या बोलते हो स्क्वायर प्लेनर 4 360 by 4 90 डिग्री, तो ये पेंटागन कितना हो गया 360 by 5 यानी 72 into 5 हो गया 360, और एक तो ये एंगल है इतना ये वाला एंगल
कितना 90, ये वाला, ये जो है ऐसे है, कितना एंगल है 90 एंगल है, मतलब कितना बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच, पांच बॉन्ड पे एंगल 90 है, एक नीचे वाला भी है, मतलब क्या हुआ, मतलब आपके पास कितना एंगल हो गया 72, पांच एंगल, फाइव एंगल हुआ 72 डिग्री, और 10 कितना हो गया 90 डिग्री, 10, पांच ऊपर वाला पांच नीचे वाला, 10 जो है एंगल 90 डिग्री का है, किसके बीच में, आई एफ एफ, सॉरी एफ आई एफ का, ये किसका एंगल है, पांच एंगल कितना हुआ, फाइव को से आई एफ, सॉरी नहीं एफ आई एफ हुआ ना, एफ आई एफ का एंगल हुआ, किसका है, जैसे मान लीजिए एफ आई एफ का है 90 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री, पांच, और 10 कितने होंगे, 10 कौन सा, आई एफ आई एफ एंगल, कुछ बुक में वह ये क्या हुआ, दिस इज क्या लिखा, नाम पेंटल का पेंटागोनल बाय पिरामिड, बाय पिरामिड क्या चीज है, ज्योमेट्री प्लस से, ज्योमेट्री प्लस से, सर इसकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड लेंथ नहीं जी अलग होगी, इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगी, क्यों, जो भाई जो 90 पे है उसका रिपल्सन लगा होना ही होना है, क्यों, सबके साथ 90 पे, इस बॉन्ड से ये दूर है ना, बॉन्ड दूर है भाई, क्या रिपल्सन कम होगा, इसमें क्या है, पांच पांच बॉन्ड के साथ रिपल्सन होगा, पांच पांच बॉन्ड के साथ रिपल्सन होगा, इसीलिए IF7 देखें रिएक्शन समय ब्रेक हो जाता है, मतलब ये हमारा बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा, और कुछ बुक में ऐसे बनाएंगे मैं टीचर मत करना ना जी, एक ही बात है ऐसे बना दे तो देखने में अच्छा लगे, ये जी कुछ लोग ऐसे बना देंगे पेंटागन, ऐसे दिखा देंगे, इसमें क्या है बच्चे को होती है कंफ्यूजन, क्यों भाई ये चार पांच एक बराबर बना दिया आपने सर, लेकिन जब ये पेंटागन क्या है ऐसे बराबर लेंथ का है, वो बाहर दिखा देते हैं थोड़ा देखने में अच्छा लगे ऐसे, लेकिन इसीलिए आप ऐसे ही बनाओ, सब एफ है जी एफ, तो ये सेम तरह याद रखोगे भाई, सात बॉन्ड को पांच दो सात पेंटागोनल बाइपिरामिड, अब कोई कह रहे नहीं सर हम तो सातों बॉन्ड को एक प्लेन में बना देंगे, दिक्कत के एंगल कम कर देंगे, तो उतना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी पूरा है, कुछ प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे रख दिया है, तो हमें लर्न भी रखना पड़ेगा, अब क्या बच गया जल्दी बताओ, ग्रुप 18 का कंपाउंड जो ज्यादा पेपर में आते हैं, ग्रुप 18 का कंपाउंड ज्यादा आते हैं पेपर में, ग्रुप 18 इनर्ट गैस, ज्योमेट्री एंड जी इसमें जो पढ़ा दिया सब वही आएगा, सारा वही है, एक छोड़ के, बस एक छोड़ के सब वही है, तो आप लोगों को भाई खुद सोचना, नहीं हो तो कॉपी पीछे देखना, सेव बताना, टाइम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कौन कौन सा बता रहा हूँ, एक है XEF2, एक है XEF4, एक है XEF6, हाँ जी XEO3, XEOF4, XEO2F2, लो जी इतना ही बढ़ना, इसका आप अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ज्योमेट्री लिख दो पहले, ज्योमेट्री लिख करके तब शेप बनाना, तब अपने आप आ जाएगा, ठीक है बनाओ जी, body
सारा कर लो जी, हो गया किसके वाले सारा पार्ट? जी बड़े आगे वंशी का तो सारा कर ली, नहीं की आसान है जी, खुद कर रहे हैं जी तुमको। बताओ जी एक्स सी एफ टू का किसका ज्योमेट्री है पहले बताओ। क्या बात कर रहे हैं, अभी भूल गया, इतना शुरू कर रहा हूँ तब हालत ये है। थ्री बॉन्ड पेयर्स नहीं, टू बॉन्ड पेयर्स क्यों, 16, सिक्स बता, सिक्स बाई टू, थ्री लोन पेयर्स बताया था, फाइव, फाइव में पांच, पांच जी ज्योमेट्री में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है जी, अराउंड द सेंट्रल एटम, तो सब मिला के पांच है, तो पांच का क्या होता है ज्योमेट्री, क्योंकि आपको शेप बनाने में ज्योमेट्री से इजी रहता है, ज्योमेट्री नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होती है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल माइंड में सेट कर लो, पिरामिडल, ठीक है जी। अब बताओ जी शेप कौन बताओगे, हाँ अरे एक्स ही में है, मैं तीन लोन पेयर को इतना पढ़ा लिया जी, 120 एंगल पे रख दो तीन लोन पेयर, क्या करो जी 120 एंगल पे रख दो, लो जी 120 पे रख दिया, कैसे दो ये रहा, हाँ जी सेफ बताओ क्या सेफ आया, अरे दिख रहा है जी लोन पेयर को छुपा दो, क्या दिखा, क्या दिखा लाइन दिखा जी, लीनियर मुश्किल है जी, तो बच्चे भी क्या देंगे, सेकंड फर्स्ट के बच्चे को बोला के बोला जाए ऐसे लाइन दिखाओ तो लाइन क्या देंगे, लाइन बना हुआ है, फर्स्ट क्लास के भी बताओ पीछे हो, सेफ लीनियर मान लो ऑनलाइन नहीं दिखा देता और कैसे है, ऑफलाइन दिखता होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन में क्योंकि उल्टा दिख जाता है, नहीं तो भाई इसमें सबको लाइन लोन पेयर को छुपा दो, ये बार बार कह रहा हूँ, सेल क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ क्या बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इसको दिखा दो लीनियर से, सेप लीनियर, अरे किसी को डाउट है तो बोलो, हमें पहले बोला था एक बार याद हो नहीं कहा था तीन बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर लीनियर, पता नहीं सर क्या बोले जा रहे हैं,
एज ए ग्रुप प्रैक्टिस। एक्सईएफ 4 फटाफट जल्दी ऑक्टा के ज्योमेट्री ना बताओ जी प्रश्न में क्या शेप आया इसका एक्सईएफ 4 का जी प्रणवी सेब बताओ सेब क्या है इसका नहीं ज्योमेट्री वाला ऑक्टाहेड्रल ना सेब क्या होगी लोन पेयर को भूल जाओ ठीक तो है लोन पेयर को भूल जाओ सेब आ गए चार बॉन्ड पेयर्स four by two, two lone pairs, six, sp three d two, geometry क्या हुआ? octahedral, भाई geometry आठ छः मतलब आठ जी चार और पांच ऊपर करोगे दो face, नीचे आएगा दो face, आठ, छः में octa होता है, ऐसे फिर से देखो जी, छः की geometry ऐसे मांगो एक चार दिख रहे हैं चार ये एक दो तीन चार ऐसे कर लो पांच छह ऐसे कर लो सात आठ आठ फेसेस हमें दिख रहे हैं जी आठ हमारा प्लेन नाम है ऑक्टाहेड्रल मतलब आठ दिख रहे हैं फेस ठीक है तो भाई लो अब शेप की बात करने मेन बात बताओ जी लोन पेयर को कहाँ रखोगे ऊपर नीचे क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री है यदि इसको एक्सेल में डालोगे सारे एंगल क्या है 90 डिग्री बताओ जी लोन पे ये आया अरे सेफ दिख गया जी बताओ जी पढ़ने में क्या सेफ आया हाँ स्क्वायर प्लेनर प्लेन हुआ है प्लेन दिख रहा है तो स्क्वायर प्लेनर कह देते ठीक है तो वो जो बोलने में अच्छा लगे स्क्वायर में बोलने में अच्छा लग रहा है स्क्वायर प्लेनर तो ना अरे सीसॉ से ऐसे कैसे हो जाएगा पांच वाले में थे झूला कैसे होगा जी जब दो दो होगा ऐसे डंडा नीचे स्टैंड होगा तो होता है सीसॉ से तो स्क्वायर प्लेनर से ऐसे क्या तो भाई याद करो जिसको बहुत जल्दी करना है तो चार बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर बच्चे याद भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे को अकेला पीवलॉग आठ मार्क्स का है दस मार्क्स का बाकी सब पांच मार्क्स का है सोच लो कुछ तो है मतलब भाई आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा बाकी सारा चैप्टर पांच मार्क्स का है सारा चैप्टर जो देखो तो नेक्स्ट क्या एक्सईएफ 6 थोड़ा अलग है ये थोड़ा अलग है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है लेकिन पता होगा XEF6 हमारा अलग होगा थोड़ा क्यों अलग होगा बताओ जी क्यों है क्या कर दिया 8 प्लस 7 टू 6 है ना 50 आया चल 50 बाय 8 6 बॉन्ड पेयर और 2 बाय 2 1 बॉन्ड पेयर थोड़ा मुश्किल क्यों है SP3D3 ज्योमेट्री क्या है पेंटागोनल डायगोनल तो मतलब थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा सेम इसका जी थोड़ा क्योंकि पांच पांच थोड़ा पेंटागोनल ज्योमेट्री तो आसान है मैं पढ़ा रही हूँ ज्योमेट्री सात है तो पांच दो सात पेंटागोनल पांच और बाय पिरामिडल दो सात हो जाएंगे पेंटागोनल मुझे ऐसे लग रहा है जी पांच दो सात तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल पांच और दो सात हो जाएंगे ज्योमेट्री में अब बात आ गई सेब की थोड़ा अलग है जैसे मैंने भी बनाया था इसका सेब थोड़ा मैंने बना देता हूँ तब बता दूंगी क्या सेब होना चाहिए मैंने बनाऊंगा तब बता दू सात पोजीशन था ठीक दिखाया ग्लोबल सात पोजीशन को दिखा दिया लोन पेयर को
इसका आसान कवाई बताऊंगा जी, कैसे करो आसान लगेगा बनाना। पहले छह का ज्योमेट्री क्या था, पेंडल वेंडल दिख कैसे रहा जी, अभी ऑक्टा टाइप दिख रहे हैं, ऑक्टा टाइप जब एक बोन खत्म हो गया कितना बन गया जी, एक दो तीन चार पाँच छः ना, एक कम हो गया ना, क्या कम हो गया, मतलब छः ही बॉन्ड है तो ऑक्टा टाइप ज्योमेट्री दिखेगा, ध्यान दो इसका सूचना दो जी, दिखेगा कैसा है, सात लोन पेयर को हटा दिया छः हो गया भाई, इसको लॉजिक है थोड़ा याद करने का, लोन पेयर को हमने हटा दिया छः बचा, छः को क्या बोलना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। यदि आप इसको ऑक्टा बोल दो रॉन्ग क्यों हो जाएगा भाई, लोन ऑक्टा तो किसका था जब लोन पे नहीं था, ध्यान दो, अरे लॉजिक इसका कुछ बुकरे कुछ बताया नहीं लिख दिया से, ध्यान दो सात को हमने इन्होंने कम कर दिया, छः बचा कौन, लोन पेयर को सेव में काउंट नहीं करते हैं तो छः हो गया, ऑक्टा होना चाहिए, ऑक्टा क्यों नहीं लेंगे, ऑक्टा कम था जब छः ओनली लोन पेयर था, लोन पेयर दिख रहा है हल्का डिस्टॉर्ट कर दिया अलग साइड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या नाम दे दिया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसका शेप क्या है, डिस्टॉर्टेड जो दिख रहा है उसको देखो जी, ऑक्टा में SF6 की दिख रहा है टाइप, लेकिन इस बॉन्ड में जब हमने क्या किया थोड़ा झुका दिया, क्यों, लोन पेयर है एक, तो वेस्पर थ्योरी ध्यान रखना है, तो शेप हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। भाई अब तुमने क्या देखा, तुम्हारे माइंड में चलता होगा सर ये जेनोम तो इनर्ट गैस है, कंपाउंड कहाँ से बना रहे हो, अरे चला है क्वेश्चन माइंड में, नहीं चला माइंड अभी तक, अच्छा जो पढ़ा होगा वही सही है, हाँ जी किसके माइंड में चल रहा है ये बात, भाई जेनोम तो इनर्ट गैस था, इतने सारे कंपाउंड हम मतलब बनाए जा रहे हैं, XeF4 XeF6 है ना, इसीलिए मैं ग्रुप 18 पढ़ेंगे भाई, जेनोम इतने सारे क्यों बनाते हैं कंपाउंड, 11th में कहा था 12th में पढ़ोगे, 12th में आ चुके हो भाई, ग्रुप 18 वाले कंपाउंड हमने इनर्ट सुना था, इनर्ट बनाया क्यों जेनोम, यहाँ पे Cl नहीं हो सकता है, जैसे फ्लोरीन का वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी 7 है, तुम कहोगे Xe बना देंगे सर Cl लगाने से, होता ही नहीं है ऐसा, नहीं जनाउंड सारा कंपाउंड जो मर्जी बना दो पढ़ेंगे, मतलब हमने शेप कैसे याद किया, 6 बॉन्ड दिखा तो ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल कह देंगे तो SF6 के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी, तो हमने क्या कह दिया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्योंकि लोन पेयर आ गया, अब हमारे पास तो एक नया ये मिल गया तुम्हारा सेफ था याद रखने वाला, बाकी समझने वाला था, तो अब आप बात करते हैं कौन कौन सा बच गया, क्या हाँ बताओ जल्दी से बताओ, XeO3 बताओ जी, टेट्राहेड्रल सेम कैसे होगा भाई, आपने पढ़ा हुआ है पहले 8+6 × 3 26/8 क्या, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2/2 1 लोन पेयर ऐड कर दो 4 sp3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 4 sp3 बताओ जी ज्योमेट्री क्या हुआ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल पढ़ चुके हैं, 4 को टेट्राहेड्रल शेप क्या होगा, हाँ हाँ जी नहीं याद है, लोन पेयर छुपा दो, अमोनिया पढ़ा चुका हूँ, NH3 PCl3 सब पढ़ा हुआ जी,
तो ऑप्शन क्या डाल दोगे सेव में? क्या दिख रहा है इसे? देखो जी, पहले जैसे एंट्रेंस का होता है या एमसीक्यू क्वेश्चन इतना आसान होता है, तुमको गलत ही बना दिया, पिरामिडल शेप टिक मार दोगे, आंसर सही है सेम। लेकिन जब सब्जेक्टिव आता है पेपर, जब सब्जेक्टिव आता है तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे बनाओगे तो जी सब्जेक्टिव में क्या होता था, सेप बनाने का हाफ और लिखने का हाफ, तो नाम सही लिखो सही बनाया, रॉन्ग हो गया बनाया, तो इसीलिए सब्जेक्टिव पर मुश्किल था नहीं, सब्जेक्टिव तो आसान हो गया, पिरामिडल टिक मार दोगे सही हो जाएगा, बनाना से पूछेंगे कैसे बनाओगे, ज्यादा है कैसे बनता है क्यों बताओगे? डबल बॉन्ड कराया था, क्या होगा डबल बॉन्ड होगा? क्योंकि जनोन के पास टोटल आठ होते हैं, दो दो चार, दो छह, दो आठ, और ओ के साथ शेयर क्या करेंगे, दो दो का शेयरिंग होता है, तो ऑक्सीजन जब भी हो तो डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड क्यों था सब जानते हो, और इनको एक ही टोन चाहिए शेयर करने के लिए, तो भाई ऐसे नहीं बनाते, ये वाला बनाया जाता है ऐसे, सेम तो पिरामिडल ही कराए। अब आप खुद एक नोट्स बना सकते हो, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, पिरामिडल, मैं बता दूंगा बाद में रिवीजन टाइम में, लेकिन आप खुद भी देख सकते हो कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा टा मारना पड़ जाएगा। देखो जी नेक्स्ट जल्दी से बताओ नोट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक्सी एक्सी लगता है, जल्दी बताओ, पढ़ चुके हो, सेम है सर, एक्सी ओएफओ क्या ज्योमेट्री से ही बताना होगा दोनों कैसे? नहीं ठीक है जी, ज्यादा कर दिया है ठीक है, कितना है 42, पांच बॉन्ड पेयर और टू बाई टू वन लोन पेयर, ये तो सेम पढ़ा लिया हो जी, सिक्स एस पी थ्री डी टू ज्योमेट्री वो ऑक्टा, सेम तो ऑक्टा होगा ही नहीं, जब भी लोन पेयर आ जाए तो सेम बिगड़ जाएगा, ऐसे अपने अपने लोन पेयर सेम बिगाड़ देगा जी, ऐसे बच्चे याद रखो, लोन पेयर का काम है सेब को बिगाड़ देना, खराब कर देना, क्यों खराब कर देना, क्योंकि वो लोन पेयर होता है, फ्री मूवमेंट होता है उसका, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा ये, बताओ जी गणेश कैसे भाई? हाँ भाई सेम तो पाया ऑक्टा में लगा दो, फिर सेम तो पाया था, पांच बॉन्ड पे एक लोन पे फिक्स है, अरे स्ट्रक्चर या सेप एक ही बात है, ध्यान देना स्ट्रक्चर या एक ही बात है, ध्यान देना ज्योमेट्री का चीज है,
अच्छा रिपीट तो हो रहा है सारा, जल्दी बताओ लास्ट। जल्दी जी एक्सी ओ टू एफ टू तो क्या है फोर बॉन्ड पेयर्स एंड वन लोन पेयर एस पी थ्री डी हाँ जुमेट ठीक है वो ट्राइगोनल बाइकेंडर सी बताओ जी सीसा हाँ सीसा जी एक्स ई ओ टू एफ टू जो घुमा दो ऐसे सीसा ठीक है जी सीसो सेफ आ गया समझ में भाई ये आपका सेफ हुआ था। अब दिखाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो तुम्हारी बुक में जी एनसीईआरटी पे सेफ बेस्ड क्वेश्चन दिया एक्स्ट्रा बाकी आपका ये सिलेबस में था। क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक बुकलेट नहीं मिला है सिंपल ही क्वेश्चन है एक मैं कर दूंगा बाकी घर से करना है। पेज 141 है क्वेश्चन है गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर गिव द फॉर्मूला and describe the structure of a noble gas species बहुत समझदार हो वो चीज आइसो स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया कहीं क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो हुआ नहीं सर बताया नहीं आपने वो चीज आइसो स्ट्रक्चरल विद हाँ जी विद अब तीन पार्ट क्वेश्चन का है क्या है तीन पार्ट पहला हमें क्या दिया है ICl 4 माइनस दूसरा हमें IBr 2 माइनस तीसरा BrO अच्छा क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है समझने के बाद आसान लगता है जी वैसे लगे अपने क्या दे दिया ये तो बताऊंगा फिर सोच के लाओगे पहले काम जल्दी से करो जी मुझे इसका निकाल के दिखाओ फर्स्ट पार्ट का बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर जल्दी
सेवन प्लस वन, बताओ जी वन किसके लिए है, बोलो माइनस के लिए जी, वन किसके लिए लिया, माइनस के लिए, प्लस कितना सेवन इंटू फोर कितना है बोलो, बताओ 8 प्लस 32 36 कितना है बोलो, sp3d2 तो कितने बॉन्ड बनते हैं नॉन पेयर, ध्यान से प्रो क्या लिखा हुआ है, आइसो स्ट्रक्चरल विद नोबल गैसेस कंपाउंड बताना है, नोबल गैसेस स्पीशीज बताना है जी, ध्यान से देखो हमें नोबल गैस स्पीशीज चाहिए, तो पहले बात तो ICl4- का शेप सबको आ गया होगा, आ गया से कितना चार बॉन्ड पे दो लोन पे है, देखो जी ध्यान दो बन गया है, क्या शेप बना स्क्वायर प्लेनर, ऐसे जी ऐसे लगा दो माइनस चार, ये Cl है लगा लिया माइनस, क्यों अब जी ध्यान देना, मैंने एक ऐड कर दिया तो सात और एक आठ बन चुका है, ग्रुप 18 में आठ कौन था जेनॉन, हाँ जी ग्रुप 18 में कौन था आठ जेनॉन था, तो आई माइनस कर दो ग्रुप 18 चला गया, कहाँ चला गया ग्रुप 18 चला गया, 18 में मैंने क्या पढ़ाया अभी तक, जेनॉन ही बनाता है कंपाउंड, पढ़ेंगे क्यों बनाता है, तो जेनॉन डाल दिया यहाँ हट गया माइनस चार, चार बॉन्ड आ गया, इसके साथ एफ ही बनाता है, आ तो गया आइसो स्ट्रक्चर, क्या था XeF4 था ना, हो गया नोबल गैसेज स्पीसीज कौन सा है XeF4 आ गया, हाँ जी नोबल गैस स्पीसीज कौन आया, क्यों आया, आइसो स्ट्रक्चरल है दोनों, मतलब सेम स्ट्रक्चर है, आइसो मतलब सेम, दोनों का क्या है, दोनों का क्या है जी स्क्वायर प्लेनर, भाई आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ ये कंपाउंड ऐसा है जो ग्रुप 18 का इनर्ट गैस का आइसो स्ट्रक्चरल है, तो हम ऐसे बना लेंगे ना स्क्वायर प्लेनर आ गया, सोचेंगे आई माइनस मतलब 18 जेनॉन, आई माइनस मतलब क्या हुआ जेनॉन हो गया, इसके पास भी 8 इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल हो गया बन गया अपना, तो ऐसे थिंकिंग करते हैं ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट करके लाओ फिर आगे से कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 18 ही पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, ये जस्ट हमने अभी कंपाउंड पढ़ा है, ग्रुप 18 में पहले पढ़ा रहा हूँ फिर 15